नायब सूबेदार सतनाम ने चीनी सैनिकों को दिखा दिए थे दिन में तारे। गुरदासपुर में कल देंगे श्रद्धांजलि। जब भी शत्रु की कुदृष्टि भारत माँ की पाक दामन पर पड़ी, तब तब देश के वीर जवानों ने उन्हें धूल चटाते हुए उनके नापाक इरादे नेस्तो नाबूद कर दिए। वर्ष 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ भारतीय जवानों की भिड़ंत एक ऐसी ही घटना थी, जिसमें हमारे वीर सैनिकों ने हमलावर चीनी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। केवल भुजाओं के बल के दम पर उन्होंने उन्हें 7 जन्मों तक याद रखने वाली चोट दी। 15 जून को इस घटना को 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उस दिन राष्ट्र की एकता व अखंडता को बरकरार रखने के लिए हमारे 20 सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। इन्हीं में से एक थे सेना के 3 मीडियम रेजिमेंट में तैनात नायब सूबेदार सतनाम सिंह। उनका जन्म 18 जनवरी 1979 को माता कश्मीर कौर व पिता जागीर सिंह के घर गांव भोजराज में हुआ था। 12वीं की पढ़ाई के दौरान ही वर्ष 1995 में वह सेना की 3 मीडियम रेजिमेंट में भर्ती हो गए। 15 जून 2020 को जब इनके यूनिट जम्मू कश्मीर के लद्दाख सेक्टर में भारत चीन बॉर्डर की गलवान घाटी पर तैनात चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की, उन्हें रोकते हुए इनकी मुठभेड़ चीनी सैनिकों से हो गई। नायब सूबेदार सतनाम सिंह ने अपने साथियों सहित चीनी सैनिकों का बहादुरी से मुकाबला किया तथा कई चीन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि दुश्मनों की संख्या अधिक होने के चलते उसे हिंसक व खूनी मुठभेड़ में सतनाम सिंह अपने 19 साथियों सहित शहादत का जाम पी गए। उनके अदम्य साहस और कर्तव्य परायणता को देखते हुए भारतीय सेना ने उन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया। शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह बिक्की ने बताया कि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से कठिन परिस्थितियों के निहत्थे लड़ते हुए भारतीय सेना के रणबांकुरों ने जिस वीरता व उद्यम साहस का परिचय दिया, उनकी मिसाल विश्व में कहीं नहीं मिलती। 20 जवानों के बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। उन्होंने बताया कि शहीद नायब सूबेदार सतनाम सिंह की शहादत को नमन करने के लिए 16 जून को गांव भोजराज में एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई राजनीतिक प्रशासनिक व सैन्य अधिकारी शामिल होकर इस अमर योद्धा को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे।